देखिए दोस्तों, आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। जैसा कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, ये रहा पिक्चर। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है और हम इस एक्सिस पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस एक्सिस पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप सबको मालूम है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये रिंग है तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा सकते दोस्तों यहाँ पर के क्यू आर स्क्वायर, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है। तो अगर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, हमें इस रिंग पर एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, इतना छोटा कि हम उसे पॉइंट चार्ज मान सकें और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम पहले फील्ड निकाल लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस रिंग पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया। तो इस रिंग पर एक छोटा सा चार्ज, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा चार्ज, इस चार्ज का नाम है डी क्यू। और अब रिंग पर टोटल चार्ज मान लीजिएगा क्यू है। तो इस डी क्यू की वजह से हम पहले इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे दोस्तों, फील्ड। तो चलिए इस पॉइंट पर इस डी क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, जिस फील्ड का वैल्यू होगा डी ई। ये छोटा चार्ज डी क्यू है तो छोटा फील्ड क्या आएगा, डी ई। ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस दोस्तों होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो छोटा चार्ज की वजह से छोटा फील्ड आया है। और अगर ये एंगल थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ऐसा हमने लिखा। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमने यहाँ पर कोई डी क्यू लिया और यहाँ पर एक फील्ड आया डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हम इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों ना, इंटीग्रेशन में जो समेशन होता है वो स्केलर समेशन होता है। इसका मतलब अगर हम ये डी ई को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें नेट फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डी क्यू की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर है और अगर हम यहाँ कोई डी क्यू ले लेते तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, अगर हम यहाँ कोई डी क्यू लेते तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। इसका मतलब एक फील्ड इधर, एक फील्ड इधर, तो हम ऐसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, फिर तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वेक्टर सम से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक स्केलर समेशन होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ते इसे, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, पहले हम इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में, इसका नाम है डी ई कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में, इसका नाम है डी ई साइन थीटा। बस थोड़ा सा फोकस करना है आपको कि अगर मैं डी क्यू यहाँ लिया होता तो इस डी क्यू की वजह से फील्ड इधर, देखिए इस डी क्यू की वजह से इस मार्कर के साइड में फील्ड आता, फिर इसके दो कंपोनेंट होते, इधर आता डी ई कॉस थीटा और इधर आता डी ई साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं ये वाला साइन और ये साइन क्या हो जाता है, कैंसिल, और कॉस वाले क्या होते हैं, ऐड। तो ऐसी कोई भी कंपोनेंट लेंगे, सबका कॉस वाला ऐड हो जाएगा और सबका साइन एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट पॉइंट्स हमेशा होंगे रिंग पर, हर पॉइंट का कोई ना कोई अपोजिट पॉइंट्स आएगा, तो सारे साइन कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक ऐसे मेंशन कर लेते हैं बात को कि साइन कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट्स होगा, हम लोग यहाँ पर ये बात लिखते हैं, हेयर साइन कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट, सो नेट फील्ड ऑन द एक्सिस, ई नेट फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, E axis is equal to integration of DE cos theta। मतलब नेट फील्ड के लिए हमें सिर्फ DE cos theta का इंटीग्रेशन कर देना है। तो बस दोस्तों, बस इस DE cos theta का इंटीग्रेशन करिए और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन।
देखिए, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें, तो पहले डी की वैल्यू, अच्छा डी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इतना डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो मैं यहीं पर डी लिख रहा हूँ, के क्यू, क्यू मतलब यहाँ पर डी क्यू है, के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर। आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रूट ओवर आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सो एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ रिंग पे ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, रिंग पर यहाँ पर देखिए, ये पहले इस इंटीग्रेशन को देख लीजिए, एक्स बच्चों को लगता है एक्स वेरिएबल, ध्यान रहे अगर आप पॉइंट फिक्स कर लेते हैं तो एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस कांस्टेंट है ही। थीटा के बारे में बात करें, बच्चों को ऐसा लगता है सर थीटा वेरिएबल है, लेकिन आप देखिए यहाँ से मिलाएंगे तब भी थीटा, यहाँ से मिलाएंगे तब भी थीटा, कोई भी लाइन इससे मिला दीजिए, कोई भी लाइन सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इस एंगल को बात करें, कोई भी लाइन यहाँ से मिलाई इस पॉइंट को, कोई भी लाइन, आप हमेशा एंगल कितना देखेंगे थीटा। इसका मतलब थीटा क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। जब सब कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ देखिए के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन तो सिर्फ क्यू का होना है, और टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, टोटल चार्ज क्यू है, तो जीरो से क्यू तक इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे, और आंसर आएगा ऐसे के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, ये होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको, अच्छा ध्यान रहे एक बात और, अगर आप इस ट्रायंगल में वहाँ पे जो हमने बनाया है उसमें अगर आप कॉस थीटा लिखे, यहाँ पे देखिए ना कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो है एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग बात करें ई एक्सिस, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, के क्यू इसकी जगह लिखा एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ का पावर वन है, यहाँ का पावर वन बाई टू है, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम नंबर तो पावर उनके ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ वन बाई टू यहाँ वन दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो आंसर आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अगर दोस्तों एक बात और हम आपसे यहाँ पर करें, कभी कभी हम लोग जो फील्ड होता है धर रहे वो चार्ज के टर्म्स में नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए सब लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो द रिंग का पूरा लेंथ कितना होगा दोस्तों, 2πr। इसका मतलब हम चाहें तो q जहां लिखा है उसकी जगह पर लिख सकते हैं 2πλr। अगर आप ऐसा कर देंगे तो फार्मूला लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। अगर हम चाहें तो लिख लें, जैसे हमने लिखना चाहा अगर, तो लिखा e एक्सिस इज इक्वल टू k की जगह पहले वैल्यू डाल देते हैं 1/4πr एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिखा हमने 2πlrx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। 2ππ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ई एक्सिस इज इक्वल टू लैम्डा के टर्म्स में अगर निकालें तो लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट rx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। ये आपका फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो दोस्तों रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जनरल फार्मूला है, चाहे तो लैम्डा के टर्म्स में फार्मूला लिख सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रा वो डिस्कस करते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा एक बात पहले आप डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, रिंग के एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है, क्योंकि साइन कैंसिल हुआ तो सिर्फ यही वाला फील्ड होगा, सिर्फ यही वाला फील्ड होगा। अगर ये चार्ज प्लस है तो फील्ड इधर होगा, अगर ये चार्ज माइनस होता तो फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, क्लियर है। वैसे अगर हम यहाँ पे फील्ड निकालते हैं, अगर ये प्लस है, देखिए प्लस है तो फील्ड इधर होगा, अगर ये माइनस होता तो फील्ड इधर होता, क्लियर है सबको। तो ये फील्ड का डायरेक्शन है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ केसेस इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए वो केसेस क्या है यहाँ पे दोस्तों, केस ये है कि अगर हम लोग बात करें केस वन का, हम चाहते हैं सेंटर पर फील्ड निकालना, तो हमने लिखा यहाँ पर फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे फील्ड निकालना चाहते हैं दोस्तों, सेंटर पे, तो फील्ड एट सेंटर, तो ध्यान रहे सेंटर पे अगर हम आ जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ आ जाए एक्स का वैल्यू, तो फील्ड एट सेंटर के लिए जो एक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम अगर फार्मूले में एक्स का वैल्यू ज़ीरो डाल दें, सेंटर लिखने में एक्स ज़ीरो डाल देंगे, तो के क्यू एक्स की जगह ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाई टू, तो फाइनली आंसर आ जाएगा ज़ीरो। सेंटर पर देखिए दोस्तों फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो, तो सेंटर पर फील्ड ज़ीरो हो गया। अगर हम लोग सेंटर पर देखिए फील्ड ज़ीरो कर लिया हमने, अगर हम बात करें केस टू में, जैसे इनफाइनाइट पर फील्ड निकाले, तो इनफाइनाइट पर फील्ड क्या आएगा भाई, देखिए अगर हम इनफाइनाइट पर फील्ड का कैलकुलेशन करें, फील्ड एट इन्फिनिटी, देखिए हमने यहाँ लिखा दूसरा केस टू में, केस टू लिखा हमने यहाँ पर फील्ड एट इन्फिनिटी, दैट मीन्स एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। जैसे इस फॉर्मूले में एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट डालेंगे, ध्यान रहे अगेन वी गेट द ई इन्फाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। आप वहाँ उस फॉर्मूले में पुट करके देखिएगा, जैसे एक्स को इन्फाइनाइट, हाँ डायरेक्टली इन्फाइनाइट वैल्यू मत पुट करेगा, जो डिनोमिनेटर में जो ऊपर एक्स है, ध्यान रहे ऊपर है न्यूमिनेटर में, उसको पहले डिनोमिनेटर में ले आइएगा, फिर पुट करके देखिएगा ई इन्फाइनाइट का वैल्यू जीरो आएगा, या कॉस थीटा वाले टर्म्स में पुट करेंगे तब भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ई इन्फाइनाइट जीरो। तो देखिए एक बड़ा मज़ेदार टर्म है दोस्तों, हमने क्या मज़ेदार टर्म देख सकते हैं आप, कि सेंटर पर फील्ड जीरो है और इनफाइनाइट पर फील्ड जीरो है, लेकिन बीच में जीरो नहीं है, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, इनफाइनाइट पर जीरो, यहाँ जीरो और इनफाइनाइट पर जीरो। तो बताइए इसका मतलब बीच में फील्ड क्या हुआ होगा, पहले बढ़ रहा होगा, फिर बढ़ के बाद क्या होगा, फिर घट रहा होगा, क्योंकि बढ़ के घटेगा तभी तो जीरो पे पहुँचेगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रिंग के केस में जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमा ज़रूर आया होगा, क्योंकि यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, और यहाँ जीरो तभी होगा जब फंक्शन ऐसे उठा होगा फिर ऐसे गिरा होगा। अगर ऐसे उठ के कभी भी गिरे, इंक्रीज हो के फिर डिक्रीज हो, तो समझ जाइए कि क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमा ज़रूर आएगा यहाँ पर, और हम वो निकालना चाहते हैं दोस्त कि वो मैक्सिमा आएगा कहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात डालें कंडीशन फॉर मैक्सिमम फील्ड, ऐसे कंडीशन हम लिखा कंडीशन फॉर ई मैक्स, दोस्तों ई मैक्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और हम अगर डी अपॉन डी एक्स ई की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, ई की वैल्यू दोस्तों, तो क्या होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखा, ज़ीरो। कर देते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए के क्यू बाहर आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर, डिनोमिनेटर बाहर किया एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा वन, माइनस एक्स को बाहर किया इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका आएगा पावर थ्री बाई टू, सामने लिख लेंगे उसका पावर में एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो ये वन बाई टू हो जाएगा, फिर इसमें जो इसके अंदर है उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसके अंदर है उसके डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में इन सब का होल स्क्वायर कर देंगे, पावर थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर थ्री, और इज इक्वल टू क्या करेंगे, ज़ीरो। फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, ऑन सॉल्विंग वी गेट दोस्तों, इसको सॉल्व करने से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा
आर स्क्वायर बाई टू, इसको सॉल्व करने से मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू प्लस माइनस r अपॉन रूट टू। मतलब ये x के वो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये x के वो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये वो पोजीशन है जहाँ, जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये x है, यहाँ पर फील्ड जीरो होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फील्ड बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, और घट के इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सबसे ज़्यादा फील्ड जिस पोजीशन पे आया होगा उस पोजीशन का वैल्यू होगा प्लस आर अपॉन रूट टू, और यहाँ पर फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। कितना मैक्सिमम आएगा वो अभी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। जैसे आगे की कहानी है वैसे पीछे जाइए, अगर आप पीछे जाएंगे तो अगेन विद द सेम आंसर क्या कि पहले फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ऐसे देखिए फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसके बाद घट के इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पहले फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, फिर घट के इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो पोजीशन आएगा एक्स का वो आएगा माइनस आर, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू लिखा ना प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू, प्लस आर अपॉन रूट टू पर और माइनस आर अपॉन, दो जगह फील्ड मैक्सिमम होगा। हाँ, इधर का ग्राफ ऊपर बना, इधर का ग्राफ नीचे क्यों बना है आप देख सकते हैं। अगर आप इधर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अगर आप पीछे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब इधर का फील्ड इधर का फील्ड इधर, फील्ड अपोजिट में है। मतलब अगर हम ये प्लस मानेंगे तो ये क्या मानेंगे, माइनस। तो एक अगर प्लस में दिखाएं तो दूसरा कहाँ दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। दोनों ग्राफ एक ही जैसा होगा, एकदम ग्राफ एक ही जैसा हम लोग बनाएंगे, एक ही जैसा ग्राफ होगा। एक ही जैसा ग्राफ बनेगा है ना, चलिए हम लोग सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिकल जैसा ग्राफ इधर होगा एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। चलिए दैट गुड, ऐसा बन जाएगा। अब बात करते हैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कितना। तो अगर हम ई मैक्सिमम चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए हम ई मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, ई मैक्स निकालना चाहते हैं, ई मैक्स। बस ई मैक्स के लिए फार्मूले में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 में पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। जैसे ही पुट करेंगे है ना, ऑन सॉल्विंग वी गेट, देखिए हम सॉल्व करके क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग हम इसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ऑन सॉल्विंग वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से e मैक्सिमम इज इक्वल टू आएगा 1/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, चलिए ऊपर यहाँ पर क्यू ले लीजिए क्यू, ये वैल्यू आएगा जो मैक्सिमम फील्ड है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्यू अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा, और अगर हम लोग नीचे की बात करें एग्जैक्टली इतना ही वैल्यू आएगा, बस माइनस में आएगा 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू बट इन नेगेटिव, ऐसा हम लोग ग्राफ बनाए। तो दोस्तों आई थिंक सो आप सबको समझ में आया होगा कि रिंग के एक्सिस पर फील्ड कैसे वैरी करता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है और कहाँ पे ज़ीरो होता है, जैसा कि इस ग्राफ में भी दिखाया गया है, और फील्ड का क्या वैल्यू होता है वो अभी आपने देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, और हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर, या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।